हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड प्लीज़ इग्नोर माय रूम, इट्स अ कंप्लीट मेस। मुझे ये वीडियो काफ़ी जल्दी में रिकॉर्ड करनी पड़ी बिकॉज पहले मैंने डिसाइड करा था कि मैं पोस्ट नहीं करूँगी, मगर अ लॉट ऑफ यू रिक्वेस्टेड फॉर इट, तो फिर अब मैं इसको जल्दी से शूट कर रही हूँ। मुझे अपने इंग्लिश के बोर्ड के लिए पढ़ना भी है इसके बाद। माई फर्स्ट बोर्ड दैट वॉज ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच में मुझे लग रहा था कि पेपर ईजी आएगा और मेरे फुल मार्क्स आ जाएंगे आसानी से, मगर मेरी 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो मतलब मेरे 0.5 प्लस 1 गलत हो गया। 1 मार्क की मैंने बहुत सिली मिस्टेक करी जिसकी वजह से आई वॉज वेरी वेरी अपसेट ऑन द एग्जाम डे। 0.5 का मुझे जेन्युइनली नहीं आता था, उसका मुझे दुख भी नहीं है, मगर वो 1 मार्क उसकी वजह से मेरा काफ़ी दिमाग ख़राब था मंडे को। हाँ, मंडे को था फ्रेंच का एग्ज़ाम, मगर इट्स ओके, अब तो हो गया। द ओवरऑल एक्सपीरियंस, तो गाइज आई डिड quite a lot of mistakes paper में नहीं, preparing for the exam day. Also, please ignore my appearance. मेरा ऐसे ही हाल रहता है exams. Who cares if I'm pretty if I fail my finals? I did not pack my bag the previous day. तो फिर क्या हुआ था कि मैं अब अराउंड 1 o'clock सोई और फिर मैं 6 बजे उठ गई एंड आई डिड दिस मिस्टेक। माई सिस्टर ऑल्सो टोल्ड मी, शी इज़ माई एल्डर सिस्टर, उनको एक्सपीरियंस है वो दैट यू शुड एटलीस्ट स्लीप फॉर 6 to 7 hours बिफोर द एग्जाम, यू आर वेल रेस्टेड वेल नरिश्ड। मगर मैं अच्छे से नहीं सोई थी तो फिर आई वोक अप विद अ माइल्ड हेडेक। मैंने तब इग्नोर कर दिया था कि इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट करा, ब्रेकफास्ट में हैड कॉफ़ी एंड अ सैंडविच, मगर मेरा सर दर्द ठीक नहीं हुआ। उसके बाद आई डिड नॉट पैक माई बैग एंड आई फॉरगॉट माई लिटरेचर की बुक एट होम। तो हम स्कूल के लिए निकल गए थे एंड वी हैड टू रिटर्न हाफ वे थ्रू, क्योंकि मेरे रूम की हालत आप देख ही रहे हो उस दिन भी ऐसी थी। और मैंने अपनी फ्रेंच की लिटरेचर वाली बुक थी टुगेदर विद, उसको किसी बुक के नीचे रखा हुआ था और मतलब मैं भूल गई उसको ले जाना। फिर हम वापस आए, मैंने वो बुक ली, देन आई रीच स्कूल। तो फिर स्कूल पहुँचे 8 o'clock, हमें 9 o'clock निकलना था, प्रेफर टू थ्रू द स्कूल बस ओनली, क्योंकि कोई कुछ भी रिस्क नहीं लेना है। एंड आई रियलाइज दैट मैं अपना आईडी कार्ड तो लाई नहीं हूँ, आईडी कार्ड के बिना यू कैन नॉट एंटर द बोर्ड एग्जाम सेंटर। और मेरी फिर मेरी ऐसी हालत ख़राब हुई वो, तो दैट डे आई वॉज लकी दैट मेरी दीदी घर पे ही थी एंड शी वॉज अवेक, बिकॉज यूजुअली वो काफ़ी लेट उठती हैं क्योंकि वो रात को अपना ऑफिस का काम करती हैं। सो दैट डे शी वॉज अवेक और फिर मैंने उनको कॉल करा एंड उन्होंने मेरा आई कार्ड भेजा थ्रू ऊबर, ठीक है। तो फिर 9 o'clock वी लेफ्ट और स्कूल बस में बैठे थे। एंड अनदर थिंग गाइस, मैं स्कूल बस में भी पढ़ी रही थी बिकॉज मतलब इतना नहीं पढ़ना चाहिए यार एग्ज़ाम वाले दिन। मुझे उसके बाद रियलाइज़ हो ही गया था कि जो मैंने पढ़ा उसमें से कुछ आया भी नहीं जो मैंने सुबह पढ़ा था। तो फिर मतलब ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आता, मगर मुझे इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए था उस दिन सुबह। तो फिर हम एग्ज़ाम सेंटर पहुँच गए, हम उतर गए और वी आर वेटिंग कि कब वो उसका गेट खुले, शालम हिल्स इज़ माई सेंटर। तो फिर हम उसके अंदर जाएँ एंड गाइज आई फॉरगॉट माई पाउच इन द स्कूल बस और स्कूल बस हमें छोड़ के वापस स्कूल चली गई। मैंने लिटरली अपना एडमिट कार्ड लिया, 2-3 चीज़ें ली जो कि मुझे पढ़नी थी और उसके बाद मैं अपना पाउच बस में भूल गई बिकॉज द थिंग वॉज हमें बोला गया था कि आप अपना बैग स्कूल बस में ही छोड़ दो। गॉट माई पाउच इन दस बस भाई, उसके बाद जो मेरी हालत ख़राब हुई है, मगर मेरे पास एक पेन था क्योंकि मेरी आदत है जब भी मैं कुछ रिवाइज करती हूँ पढ़ती हूँ मैं पेन हाथ में रखती हूँ, एक पेन तो था ही। तो फिर उसके बाद मेरी जो टीचर्स गई थी साथ में, मेरी फ्रेंच टीचर ने मुझे पेंसिल और स्केल दे दिया, मगर फिर भी मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। थोड़ी देर बाद मेरा पाउच आ गया था स्कूल से, तो फिर आई गॉट इट इन माई एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। मगर सुबह वाला सर दर्द इट गॉट ट्रिगर्ड ड्यू टू ऑल दिस पैनिक और फिर मेरा इतना ज़्यादा तेज़ सर दर्द हो गया दैट एग्ज़ाम के बीच में मुझे लिटरली इधर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। 2 मिनट के लिए अपना पेन रखा, पानी पिया, वेंट टू द वॉशरूम और फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट करा, सिर दर्द थोड़ा सा कम हुआ मगर। एंड अनदर थिंग इज़ मैंने सुबह 6 o'clock ब्रेकफास्ट करा था। यूजुअली जब मेरे एग्ज़ाम्स होते हैं तो मैं बादाम वगैरह खा लेती हूँ बिकॉज ड्राई फ्रूट्स आर क्वाइट फिलिंग। एंड आफ्टर 6 o'clock उसके बाद टिल 10:30 to 1:30 जब हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, 1:30 के बाद 2 o'clock स्कूल आए, 2 o'clock के बाद 3 o'clock में घर आई। तो फॉर ओवर 9 whole hours मैंने कुछ खाया नहीं हुआ था एंड जनरली आई कैन स्टे हंग्री फॉर 5-6 hours, मगर एग्ज़ाम से पहले मैं हमेशा ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ जिसकी वजह से मुझे भूख नहीं लगती और उस टाइम मेरे ऑलरेडी बहुत सर दर्द हो रहा था। तो फिर आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी वेरी अनकम्फर्टेबल जिसकी वजह से एग्ज़ाम में मेरी हैंड राइटिंग भी थोड़ी ख़राब हो गई थी एंड मेरे एग्ज़ाम में मतलब मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है, व्हाट इफ आई मेस इट अप।
तो फिर उसके बाद आई काम माई सेल्फ डाउन और मैंने सोचा कि थोड़ी देर की बात और है, आफ्टर दैट आई विल गो होम एंड आई विल स्लीप। मगर उस थोड़ा सा पेपर ख़राब हो गया था, मगर मैंने डिस्कस करा भी मैम के साथ, तो फिर इतनी गलतियाँ तो नहीं हुई थी उस पार्ट में जो मैं तब कर रही थी जब मेरा काफ़ी सर दर्द हो रहा था, मगर मूड काफ़ी ख़राब हो गया था मेरा। तो यस गाइस, दिस इज़ इट। तो फिर अब से मैंने एग्ज़ाम के लिए एक चेकलिस्ट बना लिया है कि ये चीज़ें रखनी है ताकि मैं कुछ भी ना भूलूं, और उसको मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले और मैं जल्दी सो जाऊंगी। एंड गाइस, ऑलवेज रिमेंबर टू स्टे नरिश्ड, टू स्टे वेल नरिश्ड, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में यू कैन नॉट अफोर्ड टू टेक एनी रिस्क, एंड प्लीज़ डोंट मेक द मिस्टेक्स जो कि मैंने करी थी। तो यस गाइज, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। आज सैटरडे है, मंडे को हमारा इंग्लिश का बोर्ड है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, एंड मेक श्योर टू टेल मी हाउ योर बोर्ड वेंट, इवन आई विल टेल यू गाइज। आई वांट फुल मार्क्स फ्रॉम यू, दिस इज माय गिफ्ट। इल फो कौन द क्या ऐसे AIMC जैसे वो यूज करें, AINSI वाले? यस और नो, पहले तो ये बताओ ना। यस लिखा है मैंने, यस यस। और लास्ट की लाइन अच्छी थी, वो कुछ होता है और नहीं परफॉर्म डिटेक्टिव, क्या मतलब इसका परफॉर्म?